वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 9.4 पार्ट 5। क्वेश्चन 1 इज दियर, मल्टीप्लाई द बायनोमियल। ठीक है, ये टू टर्म्स है, ये भी टू टर्म्स है, तो आपको क्या करना है, इस बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, फ्रेंड प्रोडक्ट अगेन बायनोमियल है, इसमें भी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ना एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन 1 इज दियर, 2x + 5 एंड 4x - 3। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 5। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 4x - 3। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 4x - 3 और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 4x - 3। ठीक है, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2x से, देन प्लस 5 से। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 2x से और सेकंड टर्म में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, अभी हम लोग 2x * 4x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या लिखेंगे, 2x * 4x - 2x। ठीक है, into 3, देन प्लस 5 * 4, तो 5 * 4x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 * 3। ठीक है, तक समझ में आपको। ठीक है, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई, देन ये सेकंड मल्टीप्लाई, देन 5 * 4 ये फर्स्ट मल्टीप्लाई, देन 5 * 3 ये सेकंड मल्टीप्लाई। ठीक है, तक के 2x * 4x, इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये आपका 8x². ठीक है, 2 * 4 = 8, x और x क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 2 * 3 = 6x प्लस, ठीक है, 5 * 4 = 20x माइनस 5 * 3 = 15। ठीक है, तक के देन क्या बचेगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका 8x² प्लस 20x और माइनस 6x, तो क्या बचेगा आपके पास में, प्लस 14x माइनस 15। नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y - 8 मल्टीप्लाई बाय 3y - 4। तो फर्स्ट वी राइट 3y - 4 टू टाइम्स। ठीक है, 3y - 4 टू टाइम्स, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे y से और सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3y और y का, तो क्या हो जाएगा, ये 3y² - 4 * y, इट मीन्स कितना, 4y माइनस 8 * 3 = 24, 24y माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 8 * 4 = 32, क्या हो जाएगा, 8 * 4 = 32। देन आंसर विल भी क्या हो जाएगा, 3y² - 4y - 24y, तो ये हो जाएगा माइनस का 28y + 32। ठीक है, तक के ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5L - 0.5M मल्टीप्लाई 2.5L + 0.5M। तो क्या करेंगे हम लोग, जो सेकेंड है 2.5L + 0.5M, हम लोग क्या करेंगे, टू टाइम लिखेंगे, कितने टाइम लिखेंगे, टू टाइम्स। ठीक है, तक के फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा 2.5L और सेकेंड में 0.5M से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2.5 कितना हो जाएगा, 6.25। ठीक है, L * L मतलब क्या हो जाएगा, L² प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, 1.25 LM माइनस, इन दोनों का भी सेम आंसर आएगा हमारे पास में, है ना, 1.25 LM। ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस, ये 0.5 और 0.5 हो जाएगा 0.25 m². ठीक है, तक के ओके। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 6.25 L² प्लस 1.25 LM और माइनस 1.25 LM, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे आप, माइनस 0.25 m². ठीक है, दिस इज़ योर आंसर।
एंड आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उसी का भी आप उसका भी आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट, 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया 5 - 2x, देन 3 + x, तो हम लोग लिखेंगे 3 + x 1 टाइम, और यहाँ भी लिखेंगे 3 + x, ठीक है। फर्स्ट में जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग 5 से, और सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2x से, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 + 5 × 2x = x माइनस ये 2 × 3 = 6, और ये x 6x, ठीक है। और माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका 15 + 5x माइनस का 6x, इट मीन्स क्या बचेगा -x, और ये हो जाएगा -2x². दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 7y x - 7y, तो फर्स्ट वी राइट 7x - y, देन 7x - y। फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा x से, और सेकंड में मल्टीप्लाई होगा 7y से, तो 7x × 7x, तो क्या हो जाएगा ये 7x² - x × y xy, देन प्लस 7 × 7 = 49, 49xy माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 7y², ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका 7x², ठीक है। ये हो गया 7x² प्लस का 49xy और माइनस का xy, ठीक है। तो एक साइड आपकी प्लस है और एक साइड माइनस है, तो क्या बचेगा आपके पास में प्लस 48xy, देन माइनस का 7y², ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे, तो बाकी जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपको इसी तरह से आपकी मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई x² - 5x + 5 + 25, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3 इज x² - 5 और x + 5, तो फर्स्ट वी राइट x + 5 2 टाइम्स, ठीक है। देन फर्स्ट में x² से मल्टीप्लाई, देन सेकंड में -5 से मल्टीप्लाई, देन ये 25 आपका जो था एज इट इज़ x² × x, तो ये आपका बन जाएगा x^3 कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी यहाँ पर, देन प्लस ये हो जाएगा 5x², ठीक है। x² × 5 मतलब 5x² -5 × x 5x माइनस प्लस माइनस 5 × 5 = 25, और जो पीछे 25 था वो तो एज इट इज़ है, तो -25 + 25 ये तो चले जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास में आंसर में, x³ + 5x² माइनस का 5x, दिस इज योर आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम लिख देंगे, b³ + 3 एंड b³ + 3। फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे a² से, सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन प्लस 5 एज इट इज़, ठीक है। प्लस 5 एज इट इज़ हो गया, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a² एंड b³ + 3a², ठीक है ना। a² × 3 = 3a² प्लस ये हो जाएगा आपका 5b³ + 5 × 3 = 15, और ये प्लस का 5 एज इट इज़, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, a² b³ + 3a² + 5b³, 50 और 5 कितना हो जाएगा, हो कितना होगा 20, 20, दिस इज़ योर आंसर, राइट। सो तीनों ही क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन था बायनोमियल का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन बायनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के हमने कर लिए हैं, राइट। सो बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद से आपकी मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है, दिस इज़ योर
homework, right? Then we will meet in next video. Vande Mataram.